Hi guys, what's up and welcome back to Lightroom Masterclass and this is episode 2. ये वाला episode specially Lightroom के color वाले tab के बारे में होने वाला है. And let me tell you, अगर आपने इस colors वाले tab को master कर लिया ना, तो 90% color grading तो आपने ऐसे ही सीख ली. तो सारा कुछ in depth जानने वाले Lightroom के color tabs के बारे में. And also Lightroom के color tab के अंदर क्या-क्या वो hidden features हैं, जिनसे आपकी color grading बहुत ही next level हो सकती है. ये सारा कुछ जानने वाले इस video में. तो video थोड़ी सी lengthy हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग actually color grading सीखना चाहते हैं, तो ये video आपके लिए बहुत important है. And without wasting any more time, let's get started. ओके तो कलर टाइप के अंदर बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं एंड इन फीचर्स के क्या क्या यूज हैं एंड अलग अलग फीचर्स का यूज करके एक साथ आप कैसे फोटो में अच्छे से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, सारा कुछ जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं लाइटरूम के कलर टैब्स. ओके तो लाइटरूम के अंदर कलर ग्रेडिंग का टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जस्ट आपको नीचे स्लाइड करना है एंड ये रहा कलर्स. तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पूरा एक पैनल खुल जाएगा. अब यहाँ पे बेसिकली चार चीज़ें हैं, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन. ये चारों चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताता हूँ एक बार, ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा. सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या है, वाइट बैलेंस. वाइट बैलेंस अभी एज शॉट पे है, तो जस्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से. मतलब कैमरा के अंदर जब आपने फोटो को क्लिक किया, जो आपने वहाँ पे वाइट बैलेंस सेट किया, उसको आप एडिटिंग में भी चेंज कर सकते हो. अभी आपको दिखाता हूँ कैसे. जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वाइट बैलेंस आ रहे हैं. ये सेम सारे वाइट बैलेंस आपके कैमरा के अंदर भी होते हैं. अगर आप इन कैमरास को शेड्स पर रखते तो ऐसी फोटो आती, फ्लैश पे आपकी फोटो ऐसी आएगी. तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस टाइप का वाइट बैलेंस आपको रखना है. इन केस आपने मान लो क्लिक करते टाइम वाइट बैलेंस गलत रख दिया एंड आपकी फोटो बहुत ज़्यादा येलो या फिर बहुत ज़्यादा ब्लू आ गई, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं. बेसिकली इसको हम डे लाइट पर रखते हैं अभी. एंड जनरली ये करता क्या है कि आपके टेम्परेचर एंड टिंट दोनों को ये अपनी वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करता है. मतलब वाइट बैलेंस दो चीज़ों को मिला के बनता है, वो है टेम्परेचर एंड टिंट. अब टेम्परेचर का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी फोटो में कितना ज़्यादा रेड या फिर कितना ज़्यादा ब्लू. अगर आप इस टेम्परेचर को बिल्कुल कम करो तो आपकी फोटो में बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे ठंड सी पड़ रखी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही है, ब्लू टोन बेसिकली आपकी फोटो में आ जाएगी. एंड टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे आपको ये फोटो देख के लग रहा होगा यहाँ पे माइनस सर्दियों वाला टेम्परेचर है, तो इसलिए फोटो ऐसी लग रही है ब्लू ब्लू सी. अगर आप इसको बढ़ा दें तो आपको ऐसा लग रहा है फोटो में बिल्कुल गर्मी सी बढ़ गई है एंड इसलिए टेम्परेचर बढ़ चुका है. तो ये टेम्प का मतलब बेसिकली है टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर सिंपली जैसे टेम्परेचर होता है वैसे ही काम करता है, ठीक है. जो आपको नॉर्मल लाइफ में टेम्परेचर मिलता है गर्मी या सर्दी, उस टाइप से ये काम करता है. फोटो में आप कितनी ज़्यादा गर्मी रखना चाहते हो या फिर कितनी ज़्यादा सर्दी रखना चाहते हो, ठीक है. अब इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 5700K. मतलब होता है केल्विन. टेम्परेचर को बेसिकली केल्विन में नापा जाता है. मतलब अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो आपको केल्विन की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आपको केल्विन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. बिल्कुल परफेक्ट डे लाइट में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो है 5700K. एक ऐसी वैल्यू है कलर्स की या फिर टेम्परेचर की, जो कि नॉर्मली हर जगह यूज़ होती है. आप कोई भी बल्ब यूज़ कर रहे हो घर में, उसकी वैल्यू नॉर्मली 5700K पे होती है. जो एक्जैक्ट व्हाइट लाइट निकलती है वो 5700K पे होती है. इसके बाद आता है आपका टिंट. टिंट से अपनी फोटो में आप ग्रीन या फिर पर्पल टोन दोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि फोटो में आपके पर्पल टोन ना रहे और ग्रीन टोन रहे, तो आपको पर्पल को कम करना है, इन शॉर्ट आपको ग्रीन को बढ़ाना है एंड वाइस वर्सा. अब ये टिंट एंड टेम्परेचर को मिला के बनता है आपकी फोटो का वाइट बैलेंस. एंड वाइट बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपकी फोटो में जो वाइट पार्ट है वो एग्जैक्ट वाइट दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं एक करेक्ट वाइट बैलेंस. अब इन दोनों का यूज़ करके आप अपनी फोटो में वाइट बैलेंस को बिल्कुल सेट कर सकते हो. आपकी फोटो में जो वाइट पार्ट है, जैसे मेरी फोटो में यहाँ पे शूज़ है, इसकी वैल्यू बिल्कुल वाइट है, तो मैं इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ. या फिर जैसे मान लो ये स्काई जो दिख रहा है पीछे, ये एग्जैक्ट वाइट है, तो हम इसको एक बेस वैल्यू ले सकते हैं या इससे अपनी कलर्स को सैंपल कर सकते हैं. और यहाँ पे एक प्रो टिप ये है, अगर आप मैनुअली ये वाइट बैलेंस ना सेट कर पाओ तो आपके पास एक कलर पिकर का ऑप्शन है. ये देखिए आपके सामने ऐसा एक कलर पिकर आता है, तो आपकी फोटो में जो भी आपको लग रहा है पार्ट की ये एग्जैक्ट वाइट होना चाहिए, उस पर आप जस्ट इसको छोड़ दो, तो ये उसके हिसाब से पूरी फोटो का वाइट बैलेंस एडजस्ट कर लेगा. अब देखिए मैंने इसको अपने शूज़ पर छोड़ दो, ये वाला कलर आ गया. अब अगर आप चाहते हैं कि ये जींस के कलर के हिसाब से वाइट बैलेंस को ले, तो ये आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको टी शर्ट पे या जिस भी पार्ट पे आप इसको छोड़ना चाहें फेस पे आप रख सकते हैं. इस तरीके से आप अपनी फोटो में ऐसे कलर पिकर की मदद से भी अपनी फोटो को वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं. नॉर्मली हम इसको यहाँ पे अपने शूज़ के पास रखते हैं एंड यही सही है. तो ये हमारी वाइट बैलेंस की वैल्यू इसने सेट कर दी है. इसका यूज़ करके भी अपनी फोटो वाइट बैलेंस बिल्कुल आसानी से सेट कर सकते हो. फिलहाल मैं इसको डे लाइट पर ही रखता हूँ. अब मूव करते हैं आगे, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन. लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेशन की. सैचुरेशन बेसिकली पूरी फोटो के कलर्स बूस्ट कर देता है एंड पूरी फोटो को माइनस कर देता है अगर हम इसको बिल्कुल जीरो कर दें. तो ये बेसिकली ये है कि फोटो में कलर अप या डाउन, ठीक है. तो इससे आप पूरी फोटो के ओवरऑल कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो. लेकिन इसका स्मार्ट वर्जन है वाइब्रेंस. वाइब्रेंस बेसिकली क्या करता है, आपकी फोटो में जो कलर की वैल्यू कम हो बाकी कलर्स के मुकाबले, उनको बूस्ट करता है. जिस तरीके इसको हम बढ़ाएंगे, तो जहाँ पे इसको लगा कि फोटो में कलर कम है, जैसे मेरी जीन्स में कोई ज़्यादा कलर नहीं है, तो इसने इसको बूस्ट कर दिया एंड बाकी सारे कलर भी नॉर्मल हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बूस्ट भी नहीं किए. बेसिकली आपकी फोटो में एक स्मार्ट सिलेक्शन करता है और आपकी फोटो में जो कलर कम है उनको बढ़ाता है. तो नॉर्मली अगर आपको अपनी फोटो में कलर थोड़े कम लग रहे हैं तो आपको वाइब्रेंस बढ़ाना होता है एंड उससे आपकी फोटो में जो कलर कम है वो अप हो जाएंगे एंड बाकी कलर में ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं होगा. तो ये वाइब्रेंस काफ़ी स्मार्ट तरीका फोटो में कलर्स को बूस्ट करने का. ये तो हो गई बातें यहाँ की. इसके अलावा ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लैक एंड वाइट का, यहाँ से आप जस्ट टैप करेंगे आपकी फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी एंड वन क्लिक में आपकी फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है. इसके बाद आपको ये वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में तो कलर है ही नहीं, तो आप कलर क्या चेंज करोगे. जस्ट आप अपना टिंट एंड ये टेम्परेचर चेंज कर सकते हो. अब चलते हैं आगे एंड यहाँ पे ये रहा आपके पास मिक्स वाला टैब.
इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक कलर मिक्सर का पैनल खुल जाता है एंड यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। बेसिकली यहाँ पे कितने कलर्स हैं, आपको सबसे पहले मिलता है रेड कलर, फिर आपको मिलता है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, टील, ब्लू, पर्पल और पिंक। ये सारे कलर्स को मिला के अपनी फोटो में आप बहुत ही मस्त कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और हर कलर के अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ह्यू। अब ये ह्यू वाले स्लाइडर को देख के आपको लग रहा होगा यहाँ पे कलर देखिए इस तरफ को पिंक है एंड इस तरफ जाते जाते ऑरेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। एंड बीच में जो रेड कलर है इसको आप या तो पिंक साइड लेके जा सकते हैं या फिर आप इसको ये ऑरेंज साइड लेके जा सकते हैं। जो भी आपका मेन कलर है वो आपका बीच से स्टार्ट हो रहा है एंड आप इसको दोनों साइड ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ह्यू का मतलब क्या है कि कलर को चेंज करना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस येलो कलर के अंदर जाता हूँ एंड इसका अगर हम ह्यू चेंज करते हैं, देखिए मैं इसको अगर यहाँ पे ऑरेंज की साइड लेके आऊँगा तो पूरी फोटो ऑरेंज हो जाएगी जहाँ पे भी येलो कलर है, एंड अगर मैं इसको आगे ग्रीन की साइड लेके जाऊँ तो पूरी फोटो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में कलर चेंज कर सकते हो ह्यू के बेस पे। अब आती है सेकंड चीज़ हमारी जो कि सैचुरेशन। अब आपने कलर तो चेंज कर लिया, मान लो मैंने इसको इतना रख दिया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर बढ़ जाए। जो भी ये येलो कलर फोटो में है जिसको हमने चेंज करके अब ऑरेंज बना लिया है, इसका हमें कलर बूस्ट करना है या फिर सैचुरेशन बढ़ाना है, तो आप इसका यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। ये आपकी पूरी फोटो का सैचुरेशन नहीं बढ़ाएगा, जस्ट आपकी फोटो में जहाँ पे भी ये कलर होगा जो आपने चूज़ किया हुआ है उसका ये सैचुरेशन बढ़ा देगा। इसके बाद आप क्या आती है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस मतलब इस कलर की कितनी आप ब्राइटनेस रखना चाह रहे हो, आपका कलर कितना ज़्यादा ब्राइट हो और कितना ज़्यादा डार्क हो। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ मेरी फोटो में जो भी येलो कलर है इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रहे बाकी सभी कलर्स से, तो ये देखिए मैं इसको बिल्कुल कम कर दूंगा, तो इसकी जो एक्सपोजर है मतलब इस कलर का वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ल्यूमिनेंस बेसिकली यही काम करता है आपकी फोटो में जो कलर है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा। तो ये आपको तीन चीज़ें समझ आ चुकी है, ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी फोटो में बहुत ही मस्त कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बना के अभी कुछ, इसको पहले रीसेट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं फोटो में कलर क्या क्या है। नॉर्मली हमारी स्किन का कलर ये ऑरेंज होता है, तो आप अगर चाहो तो अपनी स्किन का यहाँ से ल्यूमिनेंस बढ़ा के अपनी स्किन को थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं। और मान लेते हैं ये येलो कलर जो बैकग्राउंड में है इसको हम थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं ताकि मस्त ये बन जाए, ऑरेंज से शेड आए। एंड अपनी फोटो में जो ब्लू कलर है मेरी जो जीन्स पे है इसका मुझे सैचुरेशन कम लग रहा है, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ देखिए ऐसे, एंड मैं इसका ल्यूमिनेंस कम कर दूँगा ताकि थोड़ा डार्क हो जाए जीन्स, और इसका मैं ह्यू भी चेंज कर सकता हूँ ऐसे। इसके अलावा फोटो में ज़्यादा कोई कलर नहीं है, अगर आपकी फोटो में बहुत सारे कलर हो तो आप इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी फोटो में दो तीन ही कलर्स हैं, एक ब्लू है, एक ऑरेंज है और एक रेड है, एक येलो है, तो ये हमने चेंज कर लिया। इस तरीके से आप अपनी फोटो में कोई भी कलर ऐसे चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं एंड अपनी फोटो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मान लो मेरी यहाँ पे जो टी शर्ट है इसका एक कलर है जो मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा कलर है एग्जैक्ट एंड मैं यहाँ से कौन सा कलर छेड़ूँ ताकि ये टी शर्ट कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी एक कलर पिकर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है, एरो से मिल रही है कि इसको हम टैप करेंगे एंड इसको बेसिकली बोलते हैं टारगेट एडजस्टमेंट टूल। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फोटो में किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसका ह्यू, सैचुरेशन या फिर ल्यूमिनेंस चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना कैसे, आपको जस्ट किसी पार्ट पर ऐसे टैप करना है, मैं अपनी टी शर्ट पर टैप करता हूं। तो देखिए इसको आप आगे पीछे करके इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए हम इसका ह्यू चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको देखिए थोड़ा सा ब्लू साइड रखूंगा, तो जो भी हमारी टी शर्ट का कलर है ये हल्का सा ब्लू हो रहा है। अब आप यहाँ से सैचुरेशन पर क्लिक करेंगे तो आप इसका सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंड बहुत ही सही सही आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेम आप इसकी ल्यूमिनेंस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो किसी भी पार्ट पे आप टैप कर सकते हैं, मान लो मेरी ये जीन्स है एंड मुझे इसका जो है ल्यूमिनेंस कम करना है, तो देखिए बहुत ही इजीली आप ऐसे टैप करके पूरी फोटो में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से आपको किसी भी पार्ट पे अगर सेलेक्टिव एडिटिंग करनी है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पीछे ग्रास दिख रही है ये इसको हमें डार्क करना है, तो ये देखिए ल्यूमिनेंस इसकी कम कर दी हमने। सेम आप इसका सैचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता लेकिन काफ़ी कमाल की चीज़ें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऐसे डन। इसके बाद आपके पास सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ग्रेडिंग टैब। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने बड़े बड़े कलर व्हील्स खुल जाएंगे, इनके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, इनको देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये है आपका शेडोज़, पहला जो डॉट होता है ये शेडोज़ का है एंड सेकेंड डॉट आपका है मिड पॉइंट्स का, नीचे लिखा भी आ रहा है मिड टोन्स का, एंड थर्ड डॉट आपको हाईलाइट्स का। इसके बाद जो लास्ट डॉट आपके पास यहाँ पे है ये है ओवरऑल इमेज का, इसको बोलते हैं ग्लोबल एडजस्टमेंट। अब बेसिकली शेडोज से समझते हैं शेडो के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। पहले बेसिकली शेडोज का मतलब क्या होता है, आपकी फोटो में जो भी डार्कर पार्ट्स हैं उनके अंदर आप कोई भी कलर डाल सकते हो। अब हमने शेडो सेलेक्ट कर रखा है एंड यहाँ से आप इसको ऐसे घुमा सकते हो किसी भी पार्ट में एंड अपनी फोटो में कोई भी ऐसे कलर चूज कर सकते हो शेडोज़ के लिए। आप देखिए जो बिल्कुल डार्क पार्ट है फोटो में वही इफेक्ट हो रहा है एंड जो बिल्कुल व्हाइट पार्ट है जैसे यहाँ पे स्काई जो दिख रहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है एंड डार्क पार्ट पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। जैसे मेरी टी शर्ट ज़्यादा डार्क है तो उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी फोटो में डार्क पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये जो है आपके पास ये सर्कल, इसके अंदर क्या होता है स्पेशली, इसको अगर आप ऐसे इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका सैचुरेशन कम या ज़्यादा होगा, और अगर जस्ट आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे एक ही पॉइंट पे तो इसका जस्ट ह्यू चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन इसके लिए बहुत आसान तरीका जो नीचे दिया हुआ है ये है सैचुरेशन। यहाँ से आप इसका सैचुरेशन पहले बढ़ा दो, उसके बाद इसका ह्यू देखो कौन सा आपको रखना है एंड इसको एक बार रखने के बाद आप इसको कम भी कर सकते हो। तो यहाँ से अपनी शेडोज़ के लिए आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो एंड नॉट ओनली कलर, आप अपनी शेडो की ल्यूमिनेंस भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपकी फोटो में जो भी डार्कर पार्ट्स हैं आप चाहो उनको और डार्क कर सकते हो या फिर और ब्राइट कर सकते हो,
इस देखिए शेडोज हमने चूज कर रखी है, इसका हम लुमिनेंस कम कर देंगे तो पूरी फोटो में जो फेड सा लग रहा है एक वो खत्म हो जाएगा एंड जो भी शेडोज वाले पार्ट है वो बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आता है कि आपने जो भी शेडोज में कलर दिया है इसको आप कितना ज्यादा ब्लेंड करना चाहते हो पूरी फोटो के साथ। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो ये पूरी फोटो में बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये बहुत ही कम इफेक्ट दिखेगा इसका एंड किसी किसी पार्ट में बहुत ही नॉर्मल जो बिल्कुल ज्यादा ही डार्क पार्ट होंगे उसके अंदर सिर्फ ब्लेंड होगा। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको फोटो में ज़्यादा इफेक्ट देखना है। इसके अलावा यहाँ पे है बैलेंस। बैलेंस बेसिकली कब काम आता है, आपको शेडोज एंड हाईलाइट में कितना स्प्लिट करना है पार्ट बेसिकली फोटो का। जैसे देखिए शेडोज आपको कितनी, मतलब एक तरीके से आपको रेंज बतानी है कि शेडो आपकी कितनी है। अगर आपको बिल्कुल शेडोज पूरी दिखा देनी कि मतलब सारी फोटो में जितना पार्ट है वो सारा शेडोज है तो आप इसकी बैलेंसिंग कम कर सकते हो, और सिमिलरली आप हाईलाइट के साथ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ कब काम आती है, जब आप हाईलाइट एंड शेडो में दोनों में अलग कलर दे दो कोई एंड फिर आप उन दोनों कलर को बैलेंस करो कि कौन सा कलर फोटो में आपको ज़्यादा चाहिए। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। तो ये सारा हो गया शेडोज का। अब सिमिलरली आपको मिलता है यहाँ पे मिड टोन्स के लिए। मिड टोन्स मतलब फोटो में वो वाला पार्ट जो ना ही ज़्यादा ब्राइटर है और ना ही ज़्यादा डार्कर है, नॉर्मली जैसे हमारे स्किन टोन्स जो बिल्कुल वाइट भी नहीं है और बिल्कुल ही डार्क भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके स्किन टोन में अगर आप कोई और कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हो। जस्ट आपको पहले सैचुरेशन बढ़ाना है, फिर आपके लिए कोई भी कलर आपको चूज़ करना है एंड फिर आपको उसका सैचुरेशन कम या ज़्यादा करना है, तो बहुत इजीली आप ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली आप मिड टोन्स की ल्यूमिनेंस कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके अलावा ब्लेंडिंग आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ से सिमिलरली आपके पास फिर ये बैलेंसिंग ऑप्शन आता है जो कि मैं लिटरली ज़्यादा यूज़ नहीं करता लेकिन काफ़ी कमाल की चीज़ है। इससे आप फोटो में कलर्स को ज़्यादा बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आता है आपके पास हाईलाइट्स। हाईलाइट मतलब जो बिल्कुल ब्राइटर पार्ट है फोटो में आप कौन सी कलर टोन डालना चाहते हो। सिमिलर इसका पहले सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड इसका कलर देखते हैं कौन सा आपको रखना है। इस तरीके से आप हाईलाइट में कोई भी कलर टोन डाल सकते हो, ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप हाईलाइट की ल्यूमिनेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि व्हाइट पार्ट बिल्कुल ब्लो आउट हो रहे हैं तो आप इसको कम कर सकते हो एंड व्हाइट के अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसको नॉर्मल रखते हैं अभी। एंड सेम आप इसकी ब्लेंडिंग एंड बैलेंसिंग चेंज कर सकते हो। अब दिखाता हूँ आपको बैलेंसिंग कैसे काम करते हैं। अब आप देखिए हमने फोटो में दो कलर चूज़ किए हैं, शेडोज एंड हाईलाइट के अलग अलग कलर्स। इन दोनों का बैलेंस हम यहाँ से छेड़ सकते हैं। अगर हम इधर करेंगे तो फोटो में ज़्यादातर शेडोज वाला कलर आएगा, अगर हम इसको इधर कर देंगे तो फोटो में ज़्यादातर हाईलाइट्स वाला कलर आ जाएगा। तो ये है इस बैलेंसिंग वाले टूल का यूज़ एंड इस तरीके से आप अपनी फोटो में कलर्स को बैलेंस कर सकते हो। इसके बाद आपके पास लास्ट आता है एक ग्लोबल वाला टैब जो कि है ग्लोबल कलर ग्रेडिंग वाला। इससे आप ओवरऑल फोटो में पूरी एक कलर टोन डाल सकते हो, बेसिकली आपकी पूरी फोटो में एक ही ओवरले कर देगा पूरे कलर को। पहले इसका सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड अब कोई कलर चूज़ करते हैं। देखिए अगर आपको कभी ऐसे इस टाइप की फोटो बनानी हो जिसमें पूरा एक ही कलर टोन रहती है तो तब आपका एक ग्लोबल टूल काफ़ी काम आता है। सेम आप पूरा ग्लोबल मतलब पूरी फोटो की डार्कनेस या ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आप एक ही कलर पूरी फोटो में चूज़ कर रहे हो एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें थी आपके कलर ग्रेडिंग वाले टैब के अंदर एंड आई होप आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें अब समझ आ चुकी है। यहाँ पे आप अपनी फोटो में इन सभी चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही कमाली कलर ग्रेडिंग कर सकते हो एंड हाँ ट्रस्ट मी, मेरे सारे प्रीसेट जो भी मैं बनाता हूँ मोस्टली इन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो प्रीसेट बनते हैं। ये सारी सेटिंग को और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बना के जो भी कलर टोन मैं बनाता हूँ वो इनसे ही बनाता हूँ। इसके अलावा जो ये लाइटिंग वाला टैब, इसके अंदर जस्ट आपकी करेक्शन होती है लेकिन ग्रेडिंग पूरी इन चीज़ों के अंदर होती है एंड जो भी ग्रेडिंग के टूल्स हैं आपको मैंने सारे बता दिए। ये सेम टूल आपके फोटोशॉप के अंदर होते हैं, सेम टूल आपके लाइटरूम पीसी के अंदर भी होते हैं। तो मतलब आपने बेसिकली अगर इन सभी टूल्स का फंडामेंटल अभी समझ लिया तो आपको हर जगह ये काम आने वाला है, यहाँ तक कि आपकी वीडियो कलर ग्रेडिंग में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो आई होप आपको सारा कुछ बहुत ही ईजिली समझ आ चुका होगा। तो ये थे भाई लाइटरूम के अंदर कलर ग्रेडिंग के सारे फंडे। अब कलर ग्रेडिंग आप लोग बहुत इजीली सीख चुके हो कि कैसे अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग करनी है, लेकिन कौन सी फोटो में कौन सी कलर टोन डालनी है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी भी काफी सीक्रेट ट्रिक्स है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर से बताना, और जाने से पहले यार आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। और लाइटरूम का अगर आपको बेसिक नहीं आता है, बेसिक लाइटरूम आपको सीखना है तो ये रही वीडियो, इसको चेकआउट करो। ये लाइटरूम मोबाइल का मास्टर क्लास पार्ट 1, मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट।